हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज इस ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस, ये बनने जा रही है शेजवान चटनी। उसके लिए क्या क्या लगा? हरी मिर्ची, अदरक लहसुन। इसको हम लोग को पीस कर लेंगे। क्वांटिटी में बना रहे हैं, मतलब कम कर दो। जो ज्यादा भर दो, कम हो जाएगा। हाँ, इसी बारे में हो गया। तो ये अपना चढ़ गया पैन। अपना भी फोन भारी है। अरे वाह, हाँ मस्त हो गया, हरा रहा होगा। अब हरी मिर्ची का पूरा हो गया, मस्त हो गया, पूरा हो गया शायद। क्या क्या डाले इसमें? अदरक लहसुन आइटम ना, अदरक लहसुन मिर्ची ना, और भी है, बाद में आगे बताऊंगा। गाइस, बन रहा है शेजवान चटनी। घर पे बनाओ यार, खरीद के मत लाओ। तो ये क्वांटिटी में बनने वाला है। और टमाटर भी पड़ेगा शायद। नींद आ गई गाइस, ये सोने वाला है, कंफर्म सोएगा अभी। कंफर्म, छोड़ दो, चलो जाने दो मेरे को, छोड़ो। अरे छोड़ दिया, देखो छोड़ देता बराबर। शेजवान चटनी अपने को मतलब कैसा मालूम है? ऐसा नॉर्मली घर पे बना रहे क्वांटिटी में, क्योंकि लगते रहता ना घर पे कुछ ना कुछ चटनी वटनी के साथ खाने के लिए। इसके लिए क्योंकि घर का बनाने का ना बाकी अलग रहता है। सब बोलू तो शेजवान चटनी, टमाटर को उबाल लेना है। हाँ, टमाटर को उबाल कर फिर उसका छिलका निकालना है, फिर उसको पीसना है। चलाते हैं। तो गाइस, ये बन रहा है अपना शेजवान चटनी, होममेड चटनी गाइस। ठीक है, आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हो। तो गाइस, ये अच्छे से उबल गया, ठीक है, अच्छे से पक गया ये। तो गाइस, मैं आप लोगों को वॉर्न कर रहा हूँ, आप लोग ये बनाएंगे ना तो घर में कोई नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जार मार रहा है। ठीक है, उसको फास्ट गैस में रखिए, फास्ट फ्लेम में रखिए, उसको अच्छे से पकाना है, भूनना है 5 से 7 मिनट तक। देखो ऐसा बक्का निकलना चाहिए, देखो कैसा निकल रहा है, देख रहे धुआं कैसा निकल रहा है। तो अभी इसके अंदर जाएंगे 4 बोतल। देखते क्या क्या है। सोया सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस और विनेगर। ओके, तो इससे बनता है शेजवान चटनी। मतलब आपको एकदम हिसाब से लेना है, मतलब खुशबू मस्त आ रही है यार इसकी तो सबकी। सोया सॉस, रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस। तो ये विनेगर, ये विनेगर भी डालना है, थोड़ा रुकिए, इससे पहले नमक डालना है। अच्छा, स्वाद अनुसार। मतलब सारे आइटम इसमें भी पड़ गए ना, बस इसको पका लेना भी अच्छे से ना। नहीं, अभी बाकी ना, कलर बाकी है। अच्छा, इसका कलर बाकी। इसमें अरारोट पाउडर भी जाएगा गाइस, ज्यादा नहीं लेना आपको, आपके अंदाजे के हिसाब से 2-3 स्पून ले सकते हैं ना, क्वांटिटी आप जितना बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग। तो गाइस, ये अपना जाएगा शेजवान कलर, ये देख सकते हो यार, वाओ, ज्यादा ना हो जाए ना। इसमें पानी भी डालेंगे बाद में, मस्त दिख रहा है ना। अब शेजवान का कलर आया गाइस, ये देखो, कलर तीखा नहीं होता है, कोई भी टेस्ट नहीं होता, सिर्फ कलर होता है। अच्छे फूड कलर है ना ये। हाँ, फूड कलर। हमने थोड़ा सा पानी डाला है।
अच्छा दिख रहा है ना, मस्त एक नंबर लग रहा है। गाइस फाइनली अपना शेजवान हो गया कंप्लीट और एक नंबर खुशबू आ रही, सच बोली तो एक नंबर खुशबू आ रही, एक नंबर स्ट्रीट फूड का शेजवान है ना, उसको फेल कर दिया भाई अपन ने, फेल कर दिया अपन स्ट्रीट फूड का शेजवान, फेल कर दिया अपन, रावत लग रहा है भारी, रखो ना। चलो इसी बात पे खाना खाते यार, रात के बज गए 10, खाना खाते सोते आराम करते, आप लोग भी खाओ अच्छे से, सो रेस्ट करो ठीक है, और ये वीडियो को भी यहाँ पे क्लोज करते हैं, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, मच्छर आए वाला।